हाँ जी, कैसे हो सारे भाई? स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। ठीक है, आज 31 मार्च है भाई, और आज अभी एक ब्लॉग मैंने डाला है, जस्ट अभी अपलोड होने लग रहा है। होप सो टाइम तक आ जाए, क्योंकि यूट्यूब भाई कुछ ये आ रखी है दिक्कत, ना ही सिर्फ मेरे को और भी काफ़ी लोगों के साथ हो रही है, ये अपलोड करने में सबको दिक्कत आ रही है। ये भाई ना जा रहा, दिखा भी चुका हूँ तो मैं काफ़ी बार, ठीक है, बट भाई दिखाते रहेंगे हम तो बार बार, कोई टेंशन ना लो तुम। ठीक है, सामने अपना समुंदर भाई, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ठीक है, तो अंदर चल के करता हूँ, अंदर क्या, अब तो जॉब शुरू हो रही है, तो जॉब पे करता हूँ अपना कंटिन्यू। ठीक है भाई, और बताना कमेंट में कैसे हो सारे भाई, राजी खुशी होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और ये भाई अपनी पार्ट टाइम, ठीक है, तो पार्ट टाइम खत्म होगी भाई 11 बजे, तो बाद में घर चलते वक्त करता हूँ डेली व्लॉगिंग। मैं सोचूँ भाई डेली व्लॉगिंग तो मैंने गलत शुरू कर दी, आज अभी 5 बजे के अराउंड टाइम हो गया। अब कैमरा उठा रहा हूँ मैं, अब तक एडिटिंग पे लगा पड़ा था यार, बट चलो कोई नहीं, करेंगे अब कुछ ना कुछ तो करेंगे, जाते वक्त रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ भाई बाद में। ओके, ये क्या उड़ के जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें? देखो, अच्छा पंछी दिख गया होगा शायद अब तो। ठीक है, तो भाई चलो करता हूँ बाद में। ये भाई अपनी कॉफ़ी पी थी, इसी कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है, कोल्ड कॉफ़ी में बढ़िया टेस्ट है। ठीक है, और अपना आज व्लॉग आ जाएगा जिसमें भाई एक तरह स्कैम भी हो गया, तो कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार, कर दो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी। ठीक है, होने वाले अब तो ज़्यादा वो हो गया यार, जल्दी से करा दो, अब तो ज़्यादा वो रहे ही कोई नहीं, थोड़े बहुत कैसे रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत तो कह रही यार, थोड़ी ज़्यादा रही है, पर थारे प्यार क्या क्या तो बहुत कम है। ठीक है, तो भाई कराओ तुम जल्दी से और इन्जॉय करना इस व्लॉग को। वहाँ पे देखो सनसेट तो हो रहा है अच्छा सा, पर दिखेगा नहीं उस साइड, तो चलो भाई मैं करता हूँ, क्योंकि अब जॉब शुरू हो गई अपनी, वो सामने भाई कुछ अपना रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ बाद में। ये भाई अपना सिटिंग एरिया आयो भी, बाहर हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, मीठी मीठी, वो मीठी ठंड की हवा नहीं होती जो समझ आया कोई भाई, तो उसमें बैठने में थोड़े ज़्यादा मज़े आवा, तो भाई इसलिए मैं यहाँ पे बैठा था आराम से, आधे घंटे का राउंड हो गया बैठे, मैं वीडियो एडिट पे ही लगा पड़ा था और थंबनेल वगैरह के लिए, तो चलो भाई करता हूँ बाद में। भाई अभी हो चुका है ब्रेक, या तो तुम देख कर पक जाओगे, ये भी थोड़ा थोड़ा पक जाओगे, हालांकि ठीक रहे यार, ऑप्शन है मतलब लिमिटेड है, और टेस्ट में भी ये बढ़िया लगा। ठीक है, तो अब ये खाना हमारे ब्रेक हुआ है। ठीक है, और करता हूँ बाद में, क्योंकि ब्रेक छोटा ही है, 20 मिनट का ब्रेक है, तो बाद में करता हूँ भाई। ठीक है, और आज भाई खूब सुबह ले रखे हैं हमने जैपनीज के, तो भाई खा रहा हूँ फिर करता हूँ। ओके भाई, अभी पता नहीं ऑपरेशन में ड्रेसिंग पर्सन मिल रहे हैं, मतलब भाई शायद कोई ट्रेन के आगे कूद कर दिया भाई, इस वजह से थोड़ी और भी कुछ गड़बड़ है भाई। अगर आगे चल के बताऊँ, काफ़ी बार अलग अलग अलर्ट आ चुके हैं मेट्रो केस पर, और ये बोल के बता रहे हैं, तो दिखाता हूँ बाद में। ठीक है, इधर वाली सामने वाली लास्ट ट्रेन है, और जो टीटी उतारना आया वो दो बंदे सोए हैं ट्रेन में, देखो एक तो उठ गया एक वो निकल गया, मैं अपनी ट्रेन में से ना कर दूँ। ठीक है, और दूसरा भी, दूसरे ने भी उठाने लग रहा है। ठीक है, देखो दूसरा भी उठ गया, उधर उठ गया। ठीक है, तो भाई ऐसे यहाँ पे मेट्रो में सो जाए सब। तो भाई लास्ट में जैसे इतना दिखाऊंगा ना, तो सब इतना देखने लग जाएंगे, बट भाई वो बढ़िया डाल देखो दिखा हो, नाचने लग रहा भाई कोई देर का। ठीक है, पी पे आके ना हो जाओ इधर रात में, ज़्यादा ड्रिंक कर लिया ना, तो अरे यार लास्ट मैटर में ले भाई आज मैंने, क्या हो गया वो भी बताऊँगा क्यों लास्ट मैटर में ले। तो भाई जिस जो मेट्रो में लेता था रोज़ 11:33 वाली, वो बीच में रुक गई, पता नहीं क्या रीज़न था, वो भाई बीच में रुक गई, और भाई रुक गई भाई इतनी देर रुक गई कि भैया मेरे को अब लास्ट मेट्रो मिली, अगर ये मेरी छोड़ जाती तो भैया तो मैं वहाँ तक टैक्सी करना पड़ता या फिर भाई कुछ कहीगा ना रहता मैं। ठीक है, टैक्सी करके आता फिर और तो कोई इलाज जाना था ना है यार भाई, ये भाई मैं काफ़ी देर तक देखो था, मतलब इतना तम थार था ना दिखाया मैंने, क्योंकि वो बात है भाई अजीब तो लगे ऑब्वियसली, अगर किसी ने मैं रिकॉर्ड करूँगा तो। ठीक है,
पी प्या रहे थे भाई, और दो तीन बंदे थे वे भाई काफी देर को पुती टुकड़े दौड़ नौ चलने लग रहे थे। ठीक है तो भाई ये अभी यूराक्चो स्टेशन पर आ गए, यहाँ से कामयाचो स्टेशन अपना। ठीक है तो चलो भाई मिलता हूँ आगे चल के। ATT वगैरह खड़े हो जाओ भाई इस टाइम पर स्टेशन में कि भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। कई बार यो टैब दोबारा मांग ले, हालांकि कम ही मांगा, बहुत कम मांगा। तो चलो भाई मैं एक बार भाग लूँ, आगे वाले भी लास्ट ही मेट्रो है, अब लास्ट मेट्रो नहीं छोड़ना चाहता मैं। तो भाई टोक्यो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, हाँ भाई गाड़ी चल रही है और इधर हमें चलना है अभी, आगे से साइकिल लेनी है और भैया रोड पे काम चल रहा है। भाई रात को ही काम चलता है टोक्यो पे, ठीक है टोक्यो कह रहा हूँ सॉरी, जापान में सड़कों पे रात को ही काम करते हैं ताकि भाई दिन में ज़्यादा और डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। ठीक है भाई इधर से साइकिल लेनी है और भाई जॉब चल हो गया अपनी फिनिश, अब आज का टोक्यो स्टेशन ये इधर टोक्यो स्टेशन है और वो सामने यूराक्चो स्टेशन है, दो तीन स्टेशन है इधर, हिबिया स्टेशन भी है। तो भाई एक बार साइकिल देख लें मैं, तो भैया साइकिल अपने ले ली। ठीक है दो तीन और रखी हैं, ठीक है ये अभी अवेलेबल नहीं है और अगले स्टेशन वाली उठा लेंगे, मतलब अगर कोई और भाई ढूंढ रहा हो अभी, यो ताऊ जा रहा है भाई। ठीक है तो चलते हैं भाई, और इसकी बैटरी मेरे ख्याल से फुल है, नहीं 70% है भाई। ठीक है और ये पावर का है, ये लो पावर हो गया, ये मीडियम हो गया और ये अब हाई। ठीक है तो भाई आज तो क्या ही नौकरी गई, मतलब अब क्या है स्टाफ बदल गया, पुराना सारा स्टाफ चेंज हो गया, उन्होंने मेरे को रख लिया था पुराना में से, तो नया स्टाफ आया भाई बहुत बेकार, काम चोर निकम्मा, जितना कहो ना उतना कम है भाई, बहुत काम चोर है भाई, कोई करके राजी नहीं है, हैं भाई मेरी क्या आदत हो रखी है भाई, मेरे को नहीं पता किसी भाई को अच्छा लगे ना, मेरी आदत है भाई मैं काम कर रहा हूँ तो भाई अगर मैं कर रहा हूँ तो तू भी कर भाई, अगर कोई खाली तो मैं बता रहा था ना भाई, मेरी आदत ऐसी है भाई, एक भाई मेरे कोई बंदा खाली खड़ा होगा ना मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा, मैं भाई काम करना अब यूँ है, अगर कुछ काम ही नहीं है, काम या फिर बहुत कम है तो भाई कोई बंदा रेस्ट कर रहा है आराम से या फिर काम नहीं कर रहा तो चलो कोई नहीं ठीक है चल जाता है, लेकिन भाई काम आ रखा हो हद से भी ज़्यादा है और बंदे फिर भी टाइम पास कर रहे हैं तो उस पर आता है गुस्सा, अरे भाई कर लेना काम है, क्यों इस्तीफी कर रहे हैं काम का है भाई। मेरे क्या होता है मेरे अब जैसे जॉब है ना मेरी, मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊँगा ना, मैं कुछ भी ना करूँ पूरे अपने, मान लिया 8-9 घंटे की शिफ्ट है मैं उसमें कुछ ना करूँ, मैं 5 घंटे की शिफ्ट है उसमें भी कुछ ना करूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को कोई मतलब नहीं होता, लेकिन भाई मेरे से खुद से वो नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होती भाई मेरे से नहीं खड़ा हो जाएगा आराम से हैं, अगले सैलरी दे रहे हैं ठीक है तो वो सैलरी उनको वो करो कि भाई हाँ तुम दे रहे हो तो हम उसूल वाले काम करें। ठीक है तो ये आ गई भाई आगे से रूबिकॉन जीप, सॉरी करा था रूबिकॉन सारी अपना कॉल मेरे। तो भाई ये इधर पीछे यूराक्चो स्टेशन है भाई, ठीक है इधर से चलते हैं, अभी 70% बैटरी है और भाई आज की तरह चलो निकल ही पड़ते हैं, हो ही गई भाई मैं रेड पे तो कभी उतरता भी नहीं निकलता भी नहीं हूँ। ठीक है और अभी साइकिल पे व्लॉगिंग चल रही है, मतलब मोटर व्लॉगिंग तो क्या ही करें हम, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, किस्मत में ये साइकिल है तो साइकिल व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। ठीक है अरे भाई भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रही है, जैसे एक भाई कह रहा है शेड्यूल लगा के छोड़ दे, भाई शेड्यूल लगा के छोड़ी थी सुबह 12 या 1 बजे के राउंड है और भाई अब 11:30 बज गए हैं जापान के। ठीक है अब तक वो अपलोड ही ना हुई, क्या करूँ भाई मैं बताओ भाई, अब काफ़ी टाइम से कुछ दिक्कत आ रही है अपलोड होने में, नहीं हो रही अपलोड, बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर अपलोड हो ही नहीं रही तो लेट्स सी भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, लेट्स सी क्या होता है क्या चलता है क्या ये गड़बड़ ठीक होती है। तो भाई वही बात है मैनेज करना पड़ेगा यार थोड़ा कम व्लॉग्स के लिए, ठीक है तो भाई मैनेज करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए जब तक ये दिक्कत ठीक नहीं होती यूट्यूब की, यार मैं तो अब डेली व्लॉगिंग भी पुराना सारा स्टॉक खत्म कर दिया, अब डेली भी करने की कोशिश कर रहा हूँ बट अब यूट्यूब ये दिक्कत कर रहा है यार तो क्या ही करूँ है, किस्मत ही बेकार है अपने इधर तो, पर चलो कोई नहीं जल्दी यूट्यूब जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है अपने एक सर ने बताए हैं कि भाई स्टूडियो यूट्यूब स्टूडियो जो वहाँ पर चैट करो, मतलब यूट्यूब स्टूडियो में जो चैट का ऑप्शन है वहाँ पर करो। ठीक है ये देखो ना कितना मस्त खुला खुला सा रोड है। ठीक है ये भाई ग्रुप फ्रेंड्स का इकट्ठा हो रखा है उधर से हम आए हैं। ठीक है और
हो गई है ग्रीन, अब चलते हैं। तो भाई पीछे एम्बुलेंस आ गई, थोड़े जाते हैं भाई, कान में चुभ रहा है भाई और उन्होंने बहुत ज़्यादा। वो एम्बुलेंस गई भाई, एम्बुलेंस ऑलरेडी जब आई थी, जब मैं आधे रोड पर था, मैं जल्दी से क्रॉस कर ली मैंने, ठीक है। इधर दो साइकिल अवेलेबल हैं, ओ कारा थारा रूबी को न सारी अपने कोड़ भी रहे। तो वही वो गाना था आजकल, कुछ ज़्यादा वो हो रहा है मन पसंद सा। तो हाँ, और यार क्या कह रहे थे, हाँ इंस्टाग्राम भाई मैं पागल हो जाऊँगा। पता है क्या बात हो रखी है भाई, बहुत सारे वो आ रखे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं, हद से भी ज़्यादा, ठीक है। और कई भाइयों का तो स्पैम में भी जा रखे हैं यार, वो मेरे को भी नहीं पता क्यों जा रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए कई भाइयों का तो रिप्लाई मैंने एक दिन स्पैम वाला खोल दिया भाई, वो भरा पड़ा 18-20 या पता नहीं उससे भी ज़्यादा थी शायद भाई। फिर मैंने उनको सबको रिप्लाई करा स्पैम में से, ठीक है। रेड हो तो गई, चलो निकल लो भाई, मतलब ये रेड हो गई ना तो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हम चलते जा रहे हैं, हो गया ना ग्रीन, जब वो रेड हो जाए ना सामने वाली तो आप चल सकते हो, ठीक है। और तो भाई क्या ही बताऊँ मैं, तो भाई YouTube की अपलोडिंग की दिक्कत ने खा लिया भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो बहुत ज़्यादा। एडिट कर रहा हूँ, मैंने चाहे व्लॉग बना रहा हूँ और फिर आखिर में क्या हो रहा है, अपलोड नहीं हो रहा। थंबनेल बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, टाइटल लिख दिया, और मतलब सब कुछ तो कर दिया, एट लास्ट क्या नहीं हो रहा, सिर्फ एक अपलोडिंग है। ए भी पार्किंग है भाई, बहुत महंगी, ठीक है। पार्किंग तो खा ले होगी भाई इधर जापान में, ठीक है। ये भी पार्किंग है, नीचे जाने का पार्किंग में, और क्या ही दिखाएं। अब जल्दी से घर पे पहुँचते हैं, घर पे अमित भैया आ रखे हैं, आज वापस टोक्यो आ चुके हैं। तो वो पहले आ गए थे तो फ़ोन कर रखा था, मगर चाबी नीचे तेरी उठा लियो, ठीक है। तो भैया तो अंदर आ चुके हैं घर पे, हम अभी बाहर हैं, हम अभी जाएंगे। मैम का भैया हमें तो अभी 1.5 घंटा लगेगा, अब एक काम करो चाबी निकाल के और जाओ अंदर बैठ जाओ, लौट जाओ। तो भाई हम आ चुके हैं इधर, मतलब टोक्यो में ही, अब जगह तो कैसे ही बताऊँ। एक इधर साइकिल खड़ी हमारे साथ, जो भाई साहब इनकी साइकिल की बैटरी कम है तो दूसरी दे रहे हैं, या रख के दूसरे उठा लो, अरे इसका इसने रिजर्व कर दो कदे या और कोई ले जा, ड्रॉप होने के बाद रिजर्व होगी। तो भाई रास्ता हमें कैसे जाना था, हमें वहाँ से मुड़ना था भाई, आ रही पराडो या लैंड क्रूजर के मैं कह लो ट्रक, ठीक है। तो भाई जॉब पे बहुत मजा आए, बहुत पंगे लिए हमने जैपनीज के साथ भाई, वो करे काम चोरी मेरी, मैं मेरी जैसे क्या आदत है भाई, काफ़ी तरह का काम है, जो आधा काम ऐसा है जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वैसे नहीं कर सकते हैं, तो आ जाओ सीधे आ जाओ ना। तो काफ़ी सारे ऐसा काम भी है जो तुम्हें नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलती, समझे। तो उसमें क्या है, वहाँ पे जैसे बुक्स जाते हैं वो अरेंज करवाने होते हैं, तो भाई मैं होता हूँ सबसे आगे, मैं 6-7 महीने से मैं हमें यहीं पे जॉब कर रहा हूँ, और मैं भाई हमेशा से ही सबसे आगे खड़ा होता हूँ हैं। यार मेरी तो बहुत गंदी किस्मत है भाई, तुम मानो नहीं गए मेरी किस्मत कितनी गंदी है, बताऊँ। पहले भाई इतनी देर तक मैंने एक व्लॉग बनाया, वो बन गया पोर्ट्रेट में, फ़ोन टेढ़ा के रखा था लेकिन फिर भी वो पोर्ट्रेट में बन गया। फिर मैंने दोबारा जब वो देखा, मैं वो सारी बात तुम्हें बताने लग गया, फिर फ़ोन हो गया मेरा, अब यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से राइट। तो गाड़ी की आवाज़ सुन रही हो, तो पता नहीं सुन रही हो, नहीं बाइक से ये तो, ओ बाइक की गैंग भाई, ये देखो ये जो राइट, ये भाई बाइक की गैंग गई पूरी। तो भाई और दोबारा मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, जब क्या करा ऑन नहीं करा रिकॉर्डिंग का बटन, और 1 घंटे तक मैं भोग लिया, ऐसे करो वैसे करो फलान धगड़, ठीक है भाई किस्मत बहुत गंदी चल रही है। तो भाई अब से मैंने वो बताया था जॉब के बारे में, कि भाई हमारी जॉब पे आज क्या बकवास करी भाई, जैसे कब कब सारे जब नहीं जाए, अब जैसे नया स्टाफ रखा तो भाई वो काम करने की उनकी नीयत नहीं है, आगे से डिब्बे आते हैं। अब जैसे काफ़ी सारा काम ऐसा है जो वीडियो रिकॉर्डिंग में तुम्हें नहीं दिखा सकते, तो भाई उसमें क्या होता है, आगे से काफ़ी सारे डिब्बे आते हैं, ठीक है हो गया रेड आ जाओ। तो वो डिब्बे क्या होते हैं, अरेंज करवाने होते हैं। तो भाई उसमें मैं 6-7 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा ही पहले नंबर पे रहता हूँ, ठीक है। और 5
स्टोर्स के डब्बे मेरे अंडर आते हैं, मैं अपने अंडर करता हूँ 5 से 6 स्टोर्स के, जैसे एक गिंजा हो गया, गिंजा जगह का नाम है, ठीक है, अकीहाबारा हो गया, तो ऐसे 5 जगह के मेरे अंडर आते हैं, वो सारे मैं सेट करवाता हूँ, हैं। तो भाई क्या हो गया, जैसे मान लो अब मेरे वाले हैं, अगर उनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे तो भाई सारे जैपनीज पीछे भाग जाएंगे, खासकर एक लौंडा है कुत्ती मोटू सा है, वो भाई लास्ट में भाग जाएगा, और भाई जब कम वो बहुत ज़्यादा आएंगे फिर वो पीछे भाग जाएगा कि भाई आजा तू संभाल ले है। और क्या कहते हैं यहाँ पे भी एम्बुलेंस, आज तो बहुत सारी एम्बुलेंस हो रही है। और भाई जो पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स आते हैं 2 डेट्स के, एक तो जैसे आज 31 मार्च है तो आज प्रोडक्ट्स आए थे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के, ठीक है, कल आएंगे 2 अप्रैल और 3 अप्रैल के, भाई सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भाई एक डेट आके चलते रहते हैं और 2 डेट्स के आते हैं साथ में हैं। तो भाई 1 अप्रैल के प्रोडक्ट्स हैं वो आगे ही जजते हैं हैं। अब यार तुम ऐसे समझ में नहीं आ गया, मैं बताऊँगा तो, और भाई 2 अप्रैल के जो है वो बहुत पीछे जाके जजते हैं सारे डिब्बे हैं। तो 2 अप्रैल के होता है वो, उसमें कुछ इतना करना ना होता, वो एक थोड़े होता है आगे हैं। तो सबसे आगे जो खड़ा होगा उसको सिर्फ डब्बों को जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनको सिर्फ स्लाइड करना आगे, अरे रेड होने वाली है भाई, क्रॉस कर लो। मतलब भाई इन शॉर्ट क्या बात हो रही है, जो जहाँ काम कम है वहाँ वो जैपनीज आते हैं, जहाँ काम ज़्यादा है वहाँ से वो खिसक लेते हैं, ठीक है। तो यार मैं तो गलत रुक गया, वो देख गया आगे हैं, अरे सिक्योरिटी गार्ड भी है तो मैं ऐसे जा भी नहीं सकता यार, ये तो बहुत गलत सीन हो गया, अब काफ़ी देर रुकवा देंगे, ठीक है। तो भाई क्या सीन हुआ यार, ये जा क्यों नहीं रहे, मैं ही चला जाता फिर। तो भाई इन शॉर्ट भाई जहाँ काम कम होता है वहाँ उनको आना है, और कहाँ जहाँ काम ज़्यादा होता है वहाँ से उनको नहीं आना। तो भाई मैं क्या, ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं क्या तो तुम इधर ही कर लो, क्या तुम उधर ही कर लो, ऐसे मेरे से ना करा जाएगा, चुप हो गए उनके फट जाए भाई, उनका से काम ज़्यादा है, जब इनकी काम करने की बस की भी नहीं है भाई इनकी, जब मैंने सच बताऊँ भाई। चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ, जल्दी से पका लो अपना, नहीं इसमें सिक्का डालो, ये टेलीफोन सिक्का हो भाई, इन गरीबों के पास सिक्के भी नहीं है, नोट भी नहीं है, सिक्के भी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। तो भाई नौकरी करके आज का ये टैक्सी स्टैंड है बस का, ये इधर भाई रोड पे इधर भी काम चल रहा है, ठीक है, देखना पूरी ऊपर तक है, रात को ही चलता भाई, और हम इस वाले पे तो हमेशा चलता, पता नहीं 6 महीने से हर रोज़ क्या काम करते हैं ऐसा, क्या गाड़ी भाई हमेशा इधर खड़ी कर पार्किंग में, रुपये ना देने होंगे अगले में। तो भाई पहुँच गया कर, आप करता हूँ बाद में, ये आ गया अपनी केटी वीरू, ये भाई खड़े भाई ने दम आलो बना दिया, शर्ट तो है खड़ा भाई,